आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के अंडर 29 स्टेट्स। मुझे लगता है कि आप लोग को ये पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो आज आप जान लो। स्टेट बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इमेजिनरी जो तीन लाइन्स होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और मिडल में जो लाइन होती है इक्वेटर, इन तीनों लाइन्स में से हमारे इंडिया को कौन सी लाइन टच करती है? हमारे इंडिया को लाइन टच करती है सिर्फ एक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिर्फ एक ही हमारे इंडिया को टच करती है, बाकी दो नहीं करती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स। गाइस, ये मैप में एक प्रॉब्लम आ गई है, इस मैप में तेलंगाना स्टेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 28 स्टेट्स ही दिखाएंगे। तेलंगाना आ जाएगा तो 29 हो जाएंगे। मुझे ये मैप ज़्यादा पसंद आया था तो मैंने ये लिया, बट इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मैं आपके लिए दूसरा मैप लिया हूँ। मैंने आपके लिए दूसरा मैप लिया है, तो वो मैप से हम पढ़ेंगे, इस मैप से नहीं पढ़ेंगे। इस मैप से पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने मन में इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना स्टेट है। बस आप इमेजिन कर लीजिए तो पढ़ सकते हैं, बट कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरा मैप ही ले रहा हूँ, तो आपको उसी से पढ़ना पड़ेगा। और गाइस, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक और बहुत ही अच्छा सा पिक्चर लिया है, जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये पिक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो गाइस, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो तो ठीक हो गई, लेकिन मैंने मैप बदल दिया है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के ऊपर कर्नाटक के बगल में आंध्र प्रदेश है, रेड कलर का है, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का आपको छोटा सा स्टेट दिख रहा होगा, थोड़ा सा सर्कल टाइप है, वहीं तेलंगाना है। तो ठीक है, तो इसमें वो आ गया है, बट इसमें जो कलर है उनकी ब्राइटनेस बहुत कम है। पिछले वाले मैप में बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था, तो ये मैप काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन पिछला वाले से ज़्यादा अच्छा था। तो छोड़िए, आप उसको भूल जाते हैं और हम इसी को बनाते हैं, इसी में हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें इसमें देखना क्या है। हम नॉर्थ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जिसमें बहुत ही ठंडी पड़ती है। उसके नीचे आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, जो कि है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वो ग्रीन कलर का आपको है जो हिमाचल प्रदेश है। उसके एकदम एडजेसेंट साइड में एक येलो कलर का है, जो कि पंजाब है, और पंजाब के बगल में क्या था, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के जस्ट ईस्ट साउंड के ईस्ट साइड के डाउन में देखिएगा आपको मिलेगा उत्तराखंड। अब इन तीनों स्टेट्स के बीच में एक स्टेट आता है, स्काई ब्लू कलर का है, जो कि है हरियाणा। हरियाणा, और हरियाणा के अंदर एक बहुत ही छोटी सी आपको एक डॉट टाइप की दिखाई दे रही होगी पर्पल कलर की, वो है हमारी न्यू दिल्ली, जो कि हमारे इंडिया की कैपिटल है। ठीक है, तो हरियाणा के जस्ट लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको क्या, सबसे बड़ा स्टेट, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान मिलेगा। ठीक है, राजस्थान जिसकी कैपिटल जयपुर है। राजस्थान के जस्ट नीचे आपको गुजरात मिलेगा। ठीक है, गुजरात, और राजस्थान के जस्ट बगल में आप देखिएगा राइट साइड तो आपको क्या दिख रहा है, उत्तर प्रदेश, जो कि ग्रीन कलर का है, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स भी बताते जा रहा हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा, हमारे इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट। ठीक है, अब राजस्थान और उत्तर प्रदेश इन दोनों के नीचे और गुजरात के राइट साइड के बीच में है आपके एक बहुत ही लाइट पिंक कलर का दिख रहा होगा स्टेट, वो है मध्य प्रदेश, जिसको कई लोग शॉर्ट में MP भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश, और इसकी कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के जस्ट राइट साइड में आप देखेंगे आपको क्या दिखेगा, छत्तीसगढ़, जो कि एक सी हॉर्स के शेप का आपको दिख रहा होगा, ये एक ट्रिक है, सी हॉर्स के शेप में आपको ये दिखेगा तो वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के जस्ट ऊपर उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश के राइट साइड डार्क पर्पल में एक स्टेट है, जो कि है बिहार, और उसकी राजधानी है पटना। बिहार के नीचे एक लाइट येलो कलर का स्टेट है, जो है झारखंड, और उसकी राजधानी है रांची। हमने यहाँ झारखंड तक देख लिया है। अब झारखंड और बिहार इन दोनों के राइट साइड में आप देखेंगे स्काई कलर का बहुत ही पतला सा है और नीचे बहुत ही मोटा सा है, वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, जिसकी राजधानी है कोलकाता। उस वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसके ऊपर आपको एक पीला रंग का दिख रहा होगा, एक बहुत ही छोटा सा रेक्टेंगल शेप का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वो है सिक्किम, वो सिक्किम है। और अब
हमने नॉर्थ ईस्ट और देख लिया है वो सब, अब हम सेवन सिस्टर्स में भी नहीं जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर इतने सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो है सेवन सिस्टर्स, ठीक है। तो हमने क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक साउथ साइड से आ रहे थे, नॉर्थ से साउथ देखते आ रहे थे, तो वहाँ तक हमने देखा था। तो मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे आप देखेंगे लाइट रेड कलर का जो है वो क्या है, वो है हमारा महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी जिसकी कैपिटल मुंबई है, ठीक है। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे पर्पल कलर का है कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलोर, और महाराष्ट्र और कर्नाटक इन दोनों का मिडल में वेस्ट साइड में है गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है। और कर्नाटक के जस्ट बगल में एक पतला सा है रेड कलर का, वो क्या है हमारा, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के जस्ट बगल में नॉर्थ ईस्ट साइड में आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, येलो कलर का एक कौन सी शेप है, इसकी कोई शेप होती नहीं है यहाँ जितने स्टेट से, बट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। येलो कलर की जो आपको स्टेट दिख रही है वो क्या है, वो है उड़ीसा। तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उड़ीसा के बगल छत्तीसगढ़, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश जो कि ये रेड कलर का है उसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। अब आंध्र प्रदेश के ठीक नीचे आप देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर का एक और मिलेगा तेलंगाना के कलर का, बट वो तेलंगाना नहीं है क्योंकि हर स्टेट एक ही होगी, इंडिया में एक स्टेट ही होती है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे आप देखेंगे तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के बगल में केरला है, जिसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। गाइस हमने पूरे फुल इंडिया की स्टेट्स कवर कर ली हैं, बस बाकी क्या रहेगा, सेवन सिस्टर्स, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसे बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे इंडिया की नेबर कंट्रीज़ क्या है। हमारे इंडिया की नेबर कंट्रीज़ हैं नेपाल, जो कि यहाँ पर रहता है, और भूटान, जो कि यहाँ पर रहता है, बांग्लादेश, जो कि यहाँ पर है, म्यांमार, जो कि यहाँ पर रहता है, श्रीलंका, जो कि आपको मैप में नहीं दिख रहा होगा, वो नीचे रहता है इंडिया के साउथ साइड में, पाकिस्तान, ठीक है, वो यहाँ रहता है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर साइड रहता है, इसकी थोड़ी सी सीमा हमारे इंडिया से टच करती है, अराउंड 80 किलोमीटर उसकी सीमा हमारे इंडिया से टच करती है, और एक है चाइना। सो चाइना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो नेबर कंट्रीज है वो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक सेवन सिस्टर्स पे, इसमें याद करने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स सब देख लिया हमने, पूरी इंडिया देख ली, अब हम आ जाएंगे अपने सेवन सिस्टर्स में। ये पूरी इंडिया देख लिया, अब सेवन सिस्टर्स में होते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और लास्ट वन मेघालय। तो गाइस ये था सेवन सिस्टर्स। इसे क्यों कहते हैं सेवन सिस्टर्स, क्योंकि इसमें सात स्टेट्स है, सेवन स्टेट्स। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो पसंद ही होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय बाय।